हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभम गोपाल में और इसके साथ ही दोस्तों में आज हम जाने आ रहे हैं Rsgio24 में, जो अपना फास्ट पेमेंट होता है, ठीक है, जो पहले ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से रिलीज कर दिया जाता था। जैसे आपके वॉलेट में 224 रुपये होते थे उसके अगले दिन, बट यहाँ पे कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं जिसके तहत आपको मैनुअली अपना फास्ट पेमेंट ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे लाइफ टाइम अर्निंग, ठीक है, 228 पे यहाँ पे शो करा है कैश मनी में, ठीक। इसके साथ ही करंट कैश मनी में भी 228 पे शो करा है। तो जैसे ही आपके करंट कैश मनी में, ठीक है, आपके 224 या 224 से ज्यादा हो जाए, ठीक, तो आप अपना फर्स्ट विथड्रॉल लगा सकते हैं। और अगर मानकर चले कि 250 से ज्यादा भी हो, 300 भी हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट जो आपका फर्स्ट पेमेंट जो फर्स्ट विथड्रॉल लगेगा, ठीक है, वो 224 रुपये का ही लगेगा। तो आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि अगर आप स्किप कर देंगे तो वीडियो समझ में आपको नहीं आएगा। तो हम लोग चलते हैं साइट पे, और साइट पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको विथड्रॉल लगाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम साइट पे आ चुके हैं, और साइट पे आने के बाद हमारे ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद तीन पट्टी आपको शो कर रही है, ठीक है, ये सफ़ेद तीन पट्टी का हम लोग मोनी कहते हैं, मेनू कहते हैं, मेनू या डैशबोर्ड मैनेजर चलिए, ठीक है। तो इस मेनू पे हमको क्लिक करना है। इस मेनू पे क्लिक करने के बाद ही हमको वॉलेट पे क्लिक करना है, जहाँ से ये देख रहे हैं वॉलेट, ठीक है। इस पे वॉलेट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको फर्स्ट बार अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आपको फर्स्ट क्रेडिट पे क्लिक करना होगा। लेकिन बहुत से लोग विथड्रॉल पे क्लिक करके अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, और वहाँ से उनका पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के फर्स्ट बार पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको फर्स्ट क्रेडिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से अपना फर्स्ट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और जैसा कि हमने बताया था कि आपको इंडिलप्स एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इंडिलप्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ऊपर आई बटन में इसका मिल जाएगा। आप वहाँ से वीडियो देख करके इंडिलप्स में ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। इंडिलप्स में ज्वाइनिंग लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे ही आप इसमें साइन अप करके, वहाँ पे आपको 24 रुपये साइन अप बोनस मिल जाएगा इंडिलप्स के अकाउंट में। और इसके साथ ही दोस्तों, पर रेफर आपको 5 रुपये मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है इंडिलप्स, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन में डाउनलोड करके लॉगिन बना लेंगे, इसके बाद जैसे आप फर्स्ट क्रेडिट पे क्लिक करके आगे जाएंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे वॉलेट में 228 रुपये कैश मनी में है, ठीक है, जो कि एक्टिव इनकम मतलब एक्टिव टास्क की इनकम है। तो इसको हमको ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले क्या होता था कि इससे पहले कंपनी आपका जो फर्स्ट पेमेंट होता था, वो ऑटोमेटिक 224 रुपये जैसे ही होते थे उसके अगले दिन यूटिलिटी में आ जाता था। लेकिन बट अब यहाँ पे क्या है कि अब आपको खुद ही मैनुअली ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैश मनी में 228 रुपये प्लस यूटिलिटी 00, और फर्स्ट क्रेडिट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे रिडीम नाउ का जो हरे रंग पे ऑप्शन दिया गया, ठीक है, आपको इस रिडीम नाउ पे क्लिक करना है। और रिडीम नाउ पे क्लिक करने के बाद ही आपका पैसा तुरंत आपके यूटिलिटी वॉलेट में शो करने लगेगा। यहाँ पे ओके प्रोसेस करने के लिए ओके मांगा, आपको ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद ही आपका पैसा जहाँ से कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रेडिट हो चुका है, और हमारी यूटिलिटी मनी में 190 रुपये 40 पैसे आ चुके हैं। और जो 224 से जो ज़्यादा पैसा होगा, वो आपके कैश मनी में ही पड़ा रहेगा। वो जैसे ही अगले महीने का 500 रुपये होगा, तो आप अपना पैसा विथड्रॉल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको विथड्रॉल लगाने में बहुत ही आसानी हो, और आप आसानी से अपना विथड्रॉल लगा सके। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि Rsgio24 से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।